हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो आज मैं ब्यूटिशन कोर्स का डे मेरा 6 है और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मैनीक्योर की वीडियो। तो आइएगा, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो मैंने मैनीक्योर पेडीक्योर किट ली है वो BLCC की किट है और काफ़ी अच्छी किट है। ये हमारी मैनीक्योर और पेडीक्योर की किट ही है। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आप इजीली आप अपने मतलब मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। तो ये हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी मैनीक्योर पेडीक्योर करने से पहले। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये रेंज समथिंग 150 में आएगा। तो ये एक हमने टब ले रखा है और टब में हमने इसमें डाले हैं फ्लावर्स। आपको अगर है तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर ना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने डाले हैं वो रोज़ के फ्लावर डाले हैं। इसके बाद में हम डाल रहे हैं यहाँ पे जो भी ब्लीच आपके पास हो, घर में हो, तो उसका जो अमोनिया बचता है ना, तो वो आप डाल लें तो वो बेटर रहेगा। इसके बाद में आप शैम्पू डालें। अगर ये ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। और जो आपका वाटर लेना है ना, वो हल्का सा गर्म लेना है, आपको ठंडा वाटर नहीं लेना है। इसके बाद में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है नेल्स हैं वो आप क्लाइंट से पूछ लें कि उनको कटवाने हैं या नहीं करवाने हैं। तो मेरी जो क्लाइंट थी उनको एक हैंड के जो हैं वो कट कराने थे और सेकंड हैंड के जो हैं वो शार्प कराने थे। तो इसलिए मैं पहले आपको, जब भी आप मैनीक्योर करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके नेल्स जो हैं वो कट करेंगे, क्योंकि बाद में कट नहीं करेंगे, ये आप पहले ही कट करेंगे। और जो सेकेंड हैंड के हैं वो हम नेल फाइलर से जो उनकी शेप दे देंगे। और ये शेप देना भी ना बहुत ज़रूरी होता है। आप शेप देखिएगा कौन किस तरह कराना चाह रहा है। तो जो भी उनके नेल पेंट लगी हो वो रिमूवर से आप हटा दीजिएगा। तो जो भी फिर पता है फिनिशिंग जो आएगी वो बहुत अच्छे से आएगी। जो भी वो नेल पेंट लगाए हों उन्हें आप हटा दीजिएगा और इसके बाद में उन्हें अच्छे से शार्प एक शेप दीजिएगा। अच्छे से शेप देनी बहुत ज़रूरी होती है गाइस। तो जो भी नेल पेंट थी उनके एक ही एंड पे लगी हुई थी वो मैंने रिमूव कर दी। उसके बाद में हम एक फाइलर की हेल्प से जो है एक शेप दे रहे हैं। ये गाइस पहले ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि इतने टाइम तक हमारे हैंड जो है वो पानी में डिप रहेंगे तो नेल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला वर्क जो है वो आपको पहले ही करना है, बाद में नहीं करना है। क्योंकि जब बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप ये करेंगे तो हो सकता है शायद वो टूट जाए, तो क्लाइंट को वो सब पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ही कट कर लें। तो देखिएगा सारे नेल्स की शार्प करना, आप अच्छे से शार्प करें और उन्हें शेप एक अच्छी दें, जो भी वो शेप चाहते हो, यू शेप चाहते हो या स्ट्रेट शेप चाहते हो। आप आजकल ना नेल्स की भी शेप अलग अलग होती है, तो जो भी शेप क्लाइंट चाहता है आप उस शेप में उनके नेल्स को शेप दे दें। और इसके बाद में हम आगे करते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए अपने हैंड को ना 10 या 5 मिनट के लिए आपको हैंड को ऐसे डिप करके रखना है, जो भी उनके डस्ट वगैरह है वो उनकी अच्छी हो जाए। और आप हमेशा जब भी मैनीक्योर करें तो पहले ब्लीच हैंड पे कर लें या वैक्सिंग कर लें, तो जो भी है वो कर लें, उसके बाद अगर आप मैनीक्योर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो जो भी देखिएगा, मैं जो ये टूल से इनकी कर रही हूँ, जो नेल्स की जो भी ऊपर होती है ना, जो हमारे स्किन होती है वो थोड़ा सा ऊपर होने से ना जो भी थोड़ा नेल्स बड़े लगने लगते हैं और जो भी डस्ट वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। तो इसलिए ये भी करना आपके लिए ज़रूरी है। आप एक उसमें से टूल्स निकालेंगे और टूल्स के हमें मैनीक्योर के टूल्स की इसीलिए नीड होती है कि सारे टूल्स हमें जो एक बॉक्स आता है ना उसी में सब कुछ मिल जाता है और ज़्यादा रेंज नहीं होती इसकी, 150 रेंज है। आप इसे बाय भी कर सकते हैं। और ये सारा करने के बाद में आप दोनों हैंड का बहुत अच्छे से करेंगे और करने के बाद में जो भी साइड में, जो इतने टाइम रखने के बाद ना, 5 या 10 मिनट आपका रखने के बाद में जो भी आपके साइड की मतलब जो गंदी वाली लेयर होती है ना स्किन की, वो मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि वो इजीली जब हम टूल से निकालेंगे तो वो इजीली वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ना 10 या 5 मिनट जो है अपने हैंड्स को डिप करके रखें। और अच्छे से करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा साइड में जो भी हमारी गंदी वाली जो भी डस्ट वगैरह जो लग जाता है और नेल्स के अंदर जो डस्ट वगैरह लग जाता है तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। इसलिए आपको 10 या 5 मिनट डिप करके रखना ही रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं A to Z सारा सब कुछ बता रही हूँ। वैसे तो हमें मैनीक्योर पेडीक्योर
करने में ना समथिंग हमें 1 घंटे की ज़रूरत होती है कि 1 घंटे में आपका मैनीक्योर पेडीक्योर होता है, पर ये मेरा बहुत कम टाइम की वीडियो है क्योंकि इतना अगर हम लेंथी रखेंगे तो आप लोग भी देख नहीं पाएंगे। तो मैनीक्योर पेडीक्योर में समथिंग आपको 1 घंटा 1 घंटा आपको लगेगा ही लगेगा, तभी आप क्लाइंट के करें घर पर करें तो 1 घंटा आपको लगेगा ही लगेगा। तो देखिएगा जो भी एक्स्ट्रा साइड में जो भी स्किन गल रही थी तो वो हमने उसकी टूल्स की हेल्प से सारी रिमूव कर दिए, जो भी डस्ट वगैरह थी आप साइड में एक कॉटन रखें और साथ के साथ टूल्स को भी साफ़ करते रहें। और आप देख सकते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनके जो भी डस्ट थी वो रिमूव हो रही है। ऐसे ही आपको सारी फिंगर्स की इस तरह से ही आपको रिमूव करनी है और अच्छे से रिमूव करनी है कि क्लाइंट आए तो वो खुश हो जाए। और मैं अपने कोर्स में ना आपको सब कुछ सिखा रही हूँ, XYZ मतलब बेसिक टू एडवांस मेरे पास सारा सब कुछ है। तो आप मेरे अगर फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आगे की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और आपको बहुत कुछ मेरी वीडियो से सीख पाएँ। तो देखिएगा नेल्स के अंदर जो भी हमारे गंदगी है ना वो सब रिमूव हो जाएगी। और आप देख सकते हैं उनके फर्स्ट जब नेल्स थे तब कैसे थे और अब भी है, तो अभी इतना कुछ हुआ भी नहीं है, अभी तो ऑयल वगैरह लगेगा नेल्स पे तो कितने अच्छे से हो जाएगा, फिनिशिंग आएगी उसमें और शाइन आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप ना कि थोड़ा सा ही करने के बाद हमारे नेल्स कितने शार्प और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मैनीक्योर पेडीक्योर अगर कोई आपके पास ब्राइडल आती है तो ब्राइडल का भी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि नॉर्मल लोग भी सलून में कराने आते हैं और हमारी ब्राइडल जो होती है उनके लिए तो ये ज़रूरी होता है कि ब्राइडल पैकेज में मैनीक्योर पेडीक्योर, अगर आप अपना पार्लर खोलना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हमने ना BLCC की किट में से क्लींजर लिया है और क्लींजर से आप जिस तरह से फेस का होता है ना सारे प्रोडक्ट, ये भी सेम वैसे ही प्रोडक्ट होते हैं, सिर्फ ये फुट के होते हैं हमारे हैंड और फुट के। तो देखिएगा ये थोड़े से हार्ड होते हैं जो इनमें केमिकल्स वगैरह डले हुए होते हैं और फेस के में इतना केमिकल नहीं होता है, तो ये हैंड के हैं। तो ये देखिएगा हमें जैसे कि हम फेस के लिए मसाज देते हैं ना ऐसे ही आपको हैंड पे भी मसाज देनी है। और इजीली मैंने थोड़ा वीडियो अपना फास्ट कर दिया था और सॉफ्ट हाथों से देना है, इतना ना हार्ड हाथ हैंड नहीं चलाना है आपको, सॉफ्ट हाथों से ही आपको मसाज देनी है और अच्छे से मसाज देनी है। जो भी उनके डस्ट वगैरह आप देख सकते हैं ना, जबकि मैंने इनके ना बैक्स पहले से अभी हुई थी, मैंने लास्ट बैक्स में आपकी वीडियो डाली थी तो इन्हीं के हैंड पे मैंने बैक्स करी थी, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ना कितने डस्ट निकल रही है उनके हैंड से। तो आपको अच्छे से उनका क्लींजर करना है और बहुत अच्छे से करना है, उनकी फिंगर्स के पास, उनके एल्बो पे, उनके हैंड में बहुत अच्छे से मसाज देनी है। जिस तरह आप फेस के लिए मसाज देते हैं ना वैसे ही आपको मसाज देनी है और बहुत अच्छे से मसाज देनी है। जो भी आप नीचे वाटर है वो थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं पानी, और अगर आप गुलाब जल लेना चाहते हैं तो गुलाब जल भी ले सकते हैं, और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो जो क्लींजर करने का टाइम है वो 5 मिनट का है और 5 मिनट आपको क्लींजर करना है और 5 मिनट के बाद जो है वो वॉश कर देना है। तो आपको प्रॉपर अच्छे से करना है, जब तक वो अंदर से गंदगी सारी अच्छे से ना निकल जाए तब तक आपको क्लींजर करना है। 5 मिनट आपको कंपलसरी है कि आपको करना ही करना है। अगर किसी का लग रहा है कि हमें ज़्यादा करने की नीड है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उनका ना कितना डस्ट निकल रही है हैंड से। तो ये पार्लर पे जाके भी आप अच्छे से करा सकते हैं इजीली ना, और अगर आप घर पे भी करना चाह रहे हैं तो आप घर पे भी ये प्रोडक्ट लाके घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप पार्लर चलाना चाहते हैं तो भी आपको छोटे छोटे टिप्स या आने ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो है मैं चैनल पे अवेलेबल है, मेरे थ्रेड से लेके बेसिक टू एडवांस मैं सब कुछ सिखाने वाली हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिएगा मैंने ये रिमूव कर दिया है 5 मिनट के बाद में, ये है हमारा ऑयल है ये। तो ये एक एक बूंद आपको नेल्स पे ही लगाना है और नेल्स पे लगाने के बाद में और अच्छे से नेल्स को ना नेल्स के साथ मसाज करनी है, तो जो एक नेल्स पे शाइन बन जाएगी ना वो बहुत अच्छी शाइन होगी। तो ये भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है अपने नेल्स पे ना, तो आप अच्छे से लगाएं उसके बाद अच्छे से रिमूव करें। जितने भी इसमें प्रोडक्ट डले हुए ना जो भी है उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, तो BLCC का जो है वो बेस्ट है। आप जो भी और लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम स्क्रब ले रहे हैं, और आप जब भी ये प्रोडक्ट है ना एक बाउल में अलग निकाल के रखें, क्योंकि आप बार बार वो नहीं खोलेंगे तो इसीलिए आप बाउल में निकाल के रखें और दोनों हैंड पे आप लगा के और अच्छे से मसाज दें। अगर आपको प्रोडक्ट कम लगता है तो आप और ले सकते हैं, अगर
कम नहीं लग रहा है तो आप ना लें, उतने में ही कर लें। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा कि थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने उसकी क्वांटिटी और ले ली थी। और अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो थोड़ा अच्छे से मसाज होगी। अब देखिएगा इसके स्क्रब में और फेस के स्क्रब में डिफरेंस क्या होता है। जो हैंड के स्क्रब होता है ना, उसके जो अंदर जो वो होता है ना, मोटे मोटे जो दाने होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, क्योंकि हमारा हैंड पे थोड़ा सा हार्डनेस होती है हैंड पे, और जहाँ हमारे फिंगर्स और ये जो हैंड होता है यहाँ पे, क्योंकि हम हैंड से ही वर्क करते हैं तो थोड़ा सा हमारा हैंड जो है हार्ड हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ से करना चाहें इसी से, वरना आप अगर घर पे हैं ना तो आप नींबू लें, और नींबू को क्लींज़र अगर ना हो तो आप नींबू से अपने ये जो फिंगर्स हैं यहाँ जहाँ मैं मसाज कर रही हूँ यहाँ पे, आप नींबू लेके और अच्छे से उतने ही हैंड पे आपको अच्छे से मसाज दें, अगर किसी के ज़्यादा गंदगी लगी हुई है तो ठीक है। और आप इस तरह से ही मसाज करेंगे। ये मेरे ब्यूटिशियन कोर्स का 6th डे है आज मेरा। मैंने आपको ब्लीच बताया, अगर आप चाहते हो तो ब्लीच फुल बॉडी भी कर सकते हो, मैंने वैसे बता दिया है आपको। तो आप हैंड पे पहले ब्लीच कर लीजिएगा या वैक्स कर लीजिएगा, जो भी आपको करना है, तो और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी आपके हैंड में। तो आप देख सकते हैं उनके हैंड में ना कितना फ़र्क दिखाई दे रहा होगा आपको, पहले जो है वो किस तरह के थे और अब में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इस तरह से अच्छे अच्छे से मसाज दें, जिस तरह से फेस का दे रहे हैं उस तरह से ही आप हैंड की भी मसाज दें। सारे मैंने स्टेप आपको बताए हुए हैं, ये मुट्ठी वाला स्टेप आपको करना है, और ये आपको एल्बो पे आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ जो हमारी स्किन जो है ना थोड़ा सा डार्कनेस रहती है, ये भी हमारा पेडिक्योर का जो है ये हमारा, इसे भी आप अपनी एल्बो को और फिंगर के पास कर सकते हैं, तो अच्छे से जो भी हमारी वहाँ डस्ट लगी हुई होती है ना वो रिमूव हो जाती है। ये थोड़ा हार्ड ना चलाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से चलाएं, अगर हार्ड चलाएंगे तो हो सकता है आपकी स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, इसलिए थोड़ा सा स्लोली उसे चलाएं। और देख सकते हैं स्क्रब के बाद भी ना, और बहुत अच्छे से उनके स्क्रब के बाद में एकदम क्लीन क्लीन हो गया है उनका हैंड। तो और देखिएगा ये जो थंब में जो है वाइब्रेट का, और थोड़ा सा फिंगर के पास ये आपको वाइब्रेट का करना है, तो इससे भी आपके हैंड में ना एक अच्छे से मतलब रिलैक्स फील होता है ये सब कराने से, और आपकी जो भी डस्ट लगी होती है वो भी रिमूव हो जाती है। तो ये आप उसके बाद में ये भी आप अपना रिमूव कर लें, और आप अच्छे से रिमूव करें, और आप देख सकते हैं रिजल्ट में ना काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये नॉर्मली मतलब आप जैसा चाहें आप वैसे करवा सकते हैं, आप घर पे चाहें घर पे भी खुद से कर सकते हैं। आप पेडिक्योर मैनीक्योर पेडिक्योर किट ला के लोटस की ला सकते हैं, बहुत सी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी कॉस्मेटिक की शॉप हो वहाँ आपको ये ईजीली मिल जाएगा। इसके बाद में हम ले रहे हैं क्रीम, और क्रीम को भी दोनों हैंड पे जो क्वांटिटी है वो मतलब दोनों में सेम लगा के और अच्छे से मसाज दें, जिस तरह से आपने मसाज उसके लिए दी थी स्क्रब के लिए, ऐसे ही मसाज आपको हैंड के लिए भी देनी है। और हल्के हल्के हैंड से ही सारे हैंड पे आपको मसाज करनी है, और अच्छे से करनी है गाइस। देख सकते हैं मैं फिंगर्स पे, ऊपर एल्बो पे मैं बहुत अच्छे से उन्हें दे रही हूँ, और ये पिंचिंग वाला भी दे रही हूँ, डैप डैप करने वाला भी दे रही हूँ, जिससे कि जो भी हमारी क्रीम है वो अंदर स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आपको हैंड जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं चलाना है, लाइट लाइट हैंड ही चलाने हैं। अगर आप हार्ड चलाओगे तो थोड़ी बहुत उन्हें क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप कोशिश करें कि अपने हैंड का मूवमेंट जो है वो मतलब थोड़ा सॉफ्ट ही रखें। और ये सारे जो भी मैं बता रही हूँ ना आपको स्टेप, ये सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं। जिस तरह आप फेस पे हर स्टेप का एक अपनी एक वो होती है ना कि स्किन में जहाँ भी हमारे रिंकल्स वगैरह पड़ रहे होते हैं, तो उसके लिए मसाज जिस तरह की हैंड मूवमेंट होती है वैसे ही हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसे ही हैंड का होता है। आप जिस तरह के हैंड मसाज देंगे वैसा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो मसाज जितनी अच्छी देंगे उतना ही आपको बेटर रहेगा। तो इसलिए मसाज बहुत अच्छे से दें, और हैंड को बहुत अच्छे से, ये देखिए मुट्ठी वाला है जो भी है वो फेस, जिस तरह फेस के होते ना ऐसे ही आपको हैंड के करने हैं। ऑल ओवर पॉइंट यही है कि जिस तरह का फेस का है वैसे ही आपको हैंड का भी करना है, और पूरा प्रॉपर करना है। आगे मैं बॉडी पॉलिशिंग का भी बताऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं जो भी मेरे क्लासेस में बेसिक में जितना आ रहा है उस अकॉर्डिंग मैं लेकर आ रही हूँ। जैसे कि आज 6th डे है, तो 6th डे में हमारा मैनीक्योर है, आगे पेडिक्योर होगा। तो इस तरह से ही सारी चीज़ें, अगर आप पार्लर खोलना चाह रहे हैं और आपको नहीं आता ये चीज़ करना, तो आप ईजीली घर पर देखिएगा आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये होने के बाद में आपको अच्छे से मसाज कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है हैंड वॉश कर लेने हैं,
और अच्छे से वॉश करने हैं क्योंकि बाद में हमें पैक अप्लाई करना है। तो आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लें और आपको जो क्रीम को जो अप्लाई करना है ना वो 7-7 मिनट दोनों हाथों को आपको देना है, 7-7 मिनट आपको दोनों हैंड पे करना है। इतना ही आपको स्क्रब के लिए टाइम देना था और इतना ही आपको क्रीम के लिए टाइम देना है। तो हमारा देखो फेस का क्या होता है कि एक ही फेस है हमें, तो हमारे हैंड अलग अलग हैं, तो इसलिए मैनीक्योर में आपको टाइम देगा लगेगा। तो क्रीम जो है मैंने सारी एब्जॉर्ब करा दी थी, मैंने वॉश नहीं करी थी, और अच्छे से क्रीम एब्जॉर्ब कराने के बाद में मैंने क्रीम ऐसे ही रहने दे दी और उसके बाद में मैंने ऐसे ही मैंने पैक को अप्लाई कर दिया था। और आपको पिंचिंग करके इस तरह डैप डैप करना है जिससे कि और जो भी थोड़ा बहुत क्रीम बची है वो एब्जॉर्ब हो जाए, आपको वॉश नहीं करना है। उसके बाद में देखिएगा मैंने पैक लिया है और हल्का सा मैं उसमें टोनर मिला रही हूँ, आप गुलाब जल कोई भी गुलाब जल वो मिला सकते हो। और जो हमारे पैक लगाने की डायरेक्शन है ना वो ऊपर की साइड होगी, नीचे की साइड नहीं होगी, अपोजिट साइड हमारी होगी। हमारा पैक जिस तरह से फेस पे ब्लीच और पैक लगता है वही डायरेक्शन में आपको ये भी अप्लाई करना है। और ये समथिंग आपको 10 से 15 मिनट तक आपको अप्लाई करके रहने देना है क्योंकि ये सूखेगा, तब तक आपको ऐसे ही छोड़ना है। और इसके बाद में आप हल्का सा वाटर लें या रोज़ वाटर जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और आप पैक पे हमेशा थोड़ा मसाज देके वॉश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मसाज से जो है ना आपके अच्छे से हट जाता है ये पैक। तो आप हमेशा पैक जब लगाएं तो उसको मसाज दें तब रिमूव करें। गाइज़ आपको आई होप आपको वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, तो ऐसे ही मेरा प्यार ना आप लोग बनाए रखिएगा। यहाँ मैं वॉश करने के बाद में हल्का सा मॉइस्चराइजर दे रही हूँ और हमने वहाँ नेल पेंट कैरी कर दिया है। आप क्लाइंट को पूछ लेंगे कि किस कलर का उन्हें नेल पेंट चाहिए तो आप उस तरह का ही नेल पेंट लगा दीजिएगा और आप मेरा फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको बिफोर और आफ्टर में बहुत फ़र्क नज़र आने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। तो गाइस कैसे लगा आपको मैनीक्योर कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।